आईपीएल में 5 मई 2024 को डबल हेडर मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। वहीं दिन के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स पर 98 रन की जीत से पहल हासिल की है। पहले मुकाबले में धर्मशाला मैदान पर रविवार को पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 139 रन बना सकी। दूसरे मुकाबले में लखनऊ ने होम ग्राउंड भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 235 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 16.1 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गए। केकेआर ने लखनऊ के मैदान पर टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वहीं एलएसजी को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहले मुकाबले में रविंद्र जडेजा को बतौर सीएसके प्लेयर 16वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच मिला।